अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। मैं यहाँ पे बना रही थी केक, तो जल्दी से प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलते हैं जी आज की रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पे बनाया जी केक, फादर्स डे के लिए स्पेशल हमने केक बनाया। उसके लिए मैंने 5 अंडे और 3/4 कप मैंने शुगर लेके उसको ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर लिए। फिर उसको मैंने एक बाउल में डाल दिया। अब इसमें मैंने ऐड किया है मैदा, मैदा 1 कप और 1/2 कप जो है वो ऐड किया। फिर इसमें मैंने 1.5 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया और 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया था। फिर इसमें कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो जाएंगे वनीला एसेंस के। और 1/2 कप मैंने इसमें ऑयल का ऐड किया। बस इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। फिर उसके बाद मिक्स करके इसको हमने बेकिंग ट्रे में ऐड किया। बटर पेपर लगा के ऊपर मैंने उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था और उसमें ऐड करके ये मिक्सचर थोड़ा सा उसको टैप टैप करके ताकि उसकी एयर निकल जाए। बाकी फिर इसको हमने डाल दिया ओवन में और ये है जी बेक हो गया। 160 डिग्री पे मैंने 40 मिनट्स के लिए इसको किया था बेक। और ये देखें जी कितना अच्छा हमारा केक रेडी हो गया, बिल्कुल फोक जो है वो क्लीन निकला है। तो बाकी इसका जो है वो स्टेप आगे देखें, बस इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया और जब ठंडा हो गया फिर इसको बेकिंग ट्रे से निकाल लिया। और ये देखें कितना सॉफ्ट जो है वो हमारा केक रेडी हो गया। फिर इसको मैंने दूसरी ट्रे में शिफ्ट किया और यहाँ पे मैंने लिए थे जी 2 मैंगो, उनको काट के और इसमें ऐड की थोड़ी सी शुगर और उनको ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह से। बस ये ब्लेंड किया हुआ हमारा मैंगो है। इसमें मैंने डाल दिया 1 कप जो है दूध और 1/2 पैकेट जो है मिल्क क्रीम। बस इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। अब ये बैटर थोड़ा थिक था, मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया था। और केक को जो है वो फोर्क से हमने इस तरह पंच कर देना है ताकि इस पे जो ये बैटर बनाया है ये अच्छी तरह से अंदर तक चला जाए। ये देखें जी ये जो अभी मैंगो का और क्रीम का मिक्सचर बनाया है वो इस पे हम ऐड कर देंगे। अब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 1 घंटा। उसके बाद बाहर निकाला, फिर मिल्क क्रीम ऊपर मैंने डाल के सेट की। फिर ये जो मैंगो प्योरी बनाई थी हमने ये दोबारा फिर से 1 मैंगो के साथ बनाई और इसमें ऐड करके हमने ऐसे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दी। फिर कटे हुए मैंगो लगा दिए। तो जी हमारे ये केक रेडी हो गया। ये है जी हमारे केक की फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।